नमस्कार दोस्तों दोस्तों कंडेंसर के लिए कौन सा पेंट का यूज किया जाए ताकि इसकी जो लास्टिंग है बहुत ज़्यादा दिन तक रहे और इसमें जो स्केल है स्केल कम आए और जो जंग है जंग जो होता है जो ऑक्सीडेशन होता है ये कम हो, यानी जंग की कम लगे, पेंट जल्दी उतरे नहीं। ऐसा होता है दोस्तों कि चलते चलते पेंट जो है ये उतरने लगता है क्योंकि ये गर्म रहता है और साथ में पानी गिरता रहता है, जिस कारण से पानी जो है इसके अंदर चला जाता है और ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है, जिस कारण से जंग लगना शुरू हो जाता है और पेंट पपड़ी बनकर उतर जाता है। तो आप लोगों ने कई बार पूछा था तो मैं इसी के बारे में बताऊंगा कि दोस्तों आप कंडेंसर के लिए स्पेशली कंडेंसर के लिए कौन सा पेंट का यूज कर सकते हैं ताकि इसकी लास्टिंग बनी रहे, ठीक है दोस्तों, और स्केल जो है स्केल कम लगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने जो ये पेंट करवाया था तो ये साल भर चला है और देख सकते हैं कि सभी पाइप में पेंट सेम उसी तरह है, कलर थोड़ा डिसकलर हुआ है लेकिन जो इसका जो फिनिशिंग है और पेंट जो है उसी तरह है, कहीं भी आपको जंग लगा हुआ नहीं दिखाई देगा। देख सकते हैं कि ये पुराना पेंट है, ये उतरा नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो और ये भी देख सकते हैं कि इसमें जो सवाल होता है सवाल भी कम आया है, जिसको हरियाई भी बोलते हैं, सवाल कम आया है और स्केल जो है स्केल भी कम आता है, उतना स्केल नहीं आता, ठीक है दोस्तों। और जंग तो आपको दिखेगा ही नहीं और पेंट ये छोड़ता नहीं है। तो ऐसे पेंट जो कंडेंसर के लिए बिल्कुल ही अच्छा हो तो उसके लिए कौन सा पेंट का यूज करेंगे इसके बारे में हम बताएंगे दोस्तों। दोस्तों आप रेड ऑक्साइड करवाते हैं तो रेड ऑक्साइड मान लेते हैं कि लोहे के लिए ठीक होता है लेकिन वो जल्दी उतर जाता है और उसमें जंग भी लग जाता है, इसमें मैंने सक्सेसफुल नहीं होता। कंडेंसर के लिए जो पानी हमेशा गिरता रहता है और पाइप गर्म हो तो उसके ऊपर वो जल्दी पपड़ी बनकर उतर जाता है, निकल जाता है और ये पाइप खाली हो जाता है और जंग लगना शुरू हो जाता है क्योंकि पाइप जो है अंदर का लोहा जो है पाइप का वो दिखने लगता है और जंग लगना शुरू हो जाता है और ये जंग इतना लग जाता है कि पपड़ी बनकर निकलने लगता है। लेकिन ये जो पेंट देख सकते हैं दोस्तों कि ये सेम उसी तरह है, आपको दिखाता हूँ, और बिल्कुल ही चिकना है, स्मूथ है, चिकना है, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसके बारे में ही बात करूंगा कि कौन सा पेंट आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं जो कंडेंसर के लिए स्पेशली पेंट यूज करवाता हूँ, आप कोई भी पेंट कंडेंसर के लिए यूज करते होंगे लेकिन मैं जो करवाता हूँ आपको दिखा देता हूँ कि ये जो पेंट हुआ है ये बिल्कुल ही चमकदार है और चिकना है, एकदम बिल्कुल ही स्मूथ है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही चमकदार है और स्मूथ है, इसके ऊपर पानी गिरता है और जो हरियाई का प्लांटन होता है वो भी इस पर अड़ता नहीं और ये इसके ऊपर हरियाई भी बहुत कम लगता है। तो ये बिल्कुल ही स्मूथ है, आप दूसरा पेंट करवा कर देखिएगा तो वो इतना स्मूथ नहीं होगा जितना ये स्मूथ आपको दिख रहा होगा। तो मैं जो पेंट कंडेंसर के लिए यूज करता हूँ वो मैं आपके जो स्क्रीन है स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर दूंगा। तो ये जो पेंट है ये है हाई ग्लोस सिंथेटिक इनेमल, हाई ग्लोस सिंथेटिक इनेमल पेंट है। हाई ग्लोस यानी उच्च चमकदार, यानी बहुत चमकदार होता है, किसी भी चीज पर इसको यूज करते हैं तो बहुत ही चमकदार होता है और इसका लास्टिंग दोस्तों बहुत ज्यादा होता है। आप चाहे पानी के लिए यूज कर रहे हैं, इनडोर कर रहे हैं या आउटडोर कर रहे हैं, या पानी के लिए हो या बर्फ जहां बर्फ लगता हो वहां के लिए हो, ये सिंथेटिक इनेमल हाई ग्लोस जो पेंट होता है बहुत ही लास्टिंग करता है और ये ज्यादा दिनों तक चलता है, ये उतरता नहीं है और न ही इसके अंदर जंग लगता है। देख सकते हैं कि इसके अंदर बिल्कुल ही बारीक होल जो सूक्ष्म होल होता है वो होल नहीं रहता, बिल्कुल इसको कवर कर देता है, जिस कारण से इसके अंदर पानी जो है ये नहीं जा पाता और अंदर जो पाइप का ऑक्सीडेशन है वो रुक जाता है, नमी और हवा पानी कुछ भी अंदर नहीं जाता है, जिस कारण से पाइप में जंग नहीं लगता है। तो इसके ऊपर एक मजबूत कोटिंग हो जाता है जिस कारण से इसके अंदर पानी या नमी भी वो अंदर नहीं जा पाता और इसके जो लोहे का पाइप है उससे संपर्क नहीं होता, जिस कारण से इसमें जंग नहीं लगता और ये जल्दी उतरता नहीं। दोस्तों ध्यान रहे दोस्तों कि आप एक बार लगाएंगे तो ये साल भर नहीं उतरेगा, ठीक है, बशर्ते कि पाइप ज्यादा गर्म ना हो, अगर गर्म भी होता है फिर भी नहीं उतरेगा। तो ये काफी अच्छा है दोस्तों, ये बिल्कुल ही चमकदार होता है और इसमें जो पेंट में जो है चाहे आप इसे इंडोर इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे लकड़ियों के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सीमेंट का जो प्लास्टर होता है प्लास्टर के ऊपर भी यूज कर सकते हैं, उसके अंदर नमी जाने नहीं देता और उसके ऊपर मजबूत कोटिंग
बन जाता है, जिसके कारण से पानी जो है, नमी जो है अंदर नहीं जा पाता, और जो पाइप है या जो कोई भी खिड़कियां है, वाल है, कोई भी चीज अंदर खराब नहीं होता है। तो आप लोहे के ऊपर भी इसको यूज कर सकते हैं, या आप दरवाजे खिड़कियों के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसके मेन चमकीला होने का कारण यही होता है दोस्तों कि ये बिल्कुल ही सरफेस स्मूथ होता है, और इसके अंदर होल बिल्कुल ही सूक्ष्म होल बिल्कुल ही नहीं रहता, और इसलिए ये चमकदार होता है। तो आप पेंट के रूप में यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं कि दोस्तों ये येलो ग्रीन है, तो आप किसी भी कलर का ले सकते हैं। सभी कंपनियों में हाई ग्लोस पेंट आता है, हाई ग्लोस सिंथेटिक एनेमल पेंट आता है, तो इसके बारे में दोस्तों आप सर्च भी कर सकते हैं, और आपको अच्छा लगे तो इसे यूज कर सकते हैं। मैं तो हमेशा यही करवाता हूँ, ठीक है, जहाँ भी करवाना होता है। तो ये काफी स्मूथ होता है और लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग होता है, बहुत ज्यादा दिनों तक चलता है। देख सकते हैं कि सालों भर में ये उतरा नहीं था पेंट, सेम टू सेम उसी तरह था जिस तरह पेंट हुआ था। कलर थोड़ा डीप हो जाता है, लेकिन जो पेंट है उसी तरह रहता है, जंग नहीं लगता। तो दोस्तों सिंथेटिक एनेमल जो हाई ग्लोस पेंट है, इसमें थिनर लगता है, थिनर कई प्रकार के आता है, तो आपको उसमें जो आप पेंट लाएंगे उसके साथ में मेंशन किया होता है डब्बे के ऊपर जो कौन सा थिनर इसमें यूज हो सकता है। जो नॉर्मल थिनर होता है वो थिनर इसमें यूज होता है इसको पतला करने के लिए और पेंट को ज्यादा बनाने के लिए, ठीक है। तो आप अगर इसके अंदर आप रेड ऑक्साइड करते हैं या कोई प्राइमर करते हैं तो भी इसके ऊपर लगा देंगे ये पेंट, तो उसका लास्टिंग बढ़ जाएगा, या डायरेक्ट आप पाइप के ऊपर भी, लोहे के ऊपर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो कलर तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, लेकिन इस तरह कलर मुझे अच्छा लगता है येलो ग्रीन, तो आप ये भी यूज करवा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जानने को सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ऑल पे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन बहुत कम लोग सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों यार आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ये इसमें सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।